पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अवैध बालू खनन मामले में सीएम चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी और अन्य के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। भूपिंदर सिंह हनी के घर और पंजाब में 10 अन्य जगहों पर आज सुबह तलाशी ली गई। निदेशालय से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ये छापा ऐसे समय मारा गया है जब पंजाब में चुनाव अभियान जोरों पर है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।